अनमोल एक छोटे जे पिंड विच अपने वड्डे भरा ते अपनी मां नाल रहिंदा सी। अनमोल 5 साल दा सी जदों उसदे पिता दी मौत हो गई सी। फिर अनमोल दी मां ने घर संभालिया ते दोवां भरावां नूं पढ़ाया। अनमोल दे वड्डे भरा ने जल्दी ही घर दी सारी जिम्मेवारी संभाल लई ते ओह अनमोल ते अपनी मां दा पूरा ख्याल रखदा। छोटा होण करके अनमोल ते कोई जिम्मेवारी नहीं सी, इस लई ओ बेफिक्रे सुभा दा बन गया। अनमोल जदो 12वीं क्लास विच सी ओदो उन्हां दी मां दी वी किसी बीमारी करके मौत हो गई। हुण घर विच सिर्फ अनमोल ते उसदा वड्डा भरा सी। वड्डा भरा घर दे सारे काम करदा। अनमोल सवेरे कॉलेज जांदा ते फिर शाम नूं दोस्तां नाल बाहर चला जांदा ते अद्धी रात नूं घर आउंदा। अनमोल नूं पढ़ाई दा कोई फिकर नहीं सी, इस लई बीए दे पहले साल विच ही कुछ पेपरां विचों फेल हो गया। अनमोल ने कॉलेज दियां वख-वख कुड़ियां नाल रिश्ते बनाउण नूं अपनी आदत बना लिया। जदों उसदा वड्डा भरा उसनूं चंगी तरह पढ़न बारे जां किसी काम बारे कहिंदा तां अनमोल उसदी गल नूं अणसुणी कर दिंदा। उहनां दी मां दी मौत मगरों छेती ही वड्डे भरा दा विआह हो गया। पर अनमोल दी जिंदगी नूं सब तों वध झटका उदों लगा जदों उसदे वड्डे भरा नूं खेतां विच काम करदे होए करंट लग गया ते उसदी मौत हो गई। अनमोल सदमे विच सी, उसनूं समझ नहीं आ रही सी कि उसदे नाल की हो रहा है। उसदी भाभी अमन जिसनूं अजे इस घर विच आए 10 महीने ही होए सी, उसदी जिम्मेवारी अनमोल ते पै गई। अमन गर्भवती सी जिस करके उसदे मां प्यो भी चाहुंदे सी कि अमन अनमोल नाल ही घर वसा लवे। सारिआं दे कहण उत्ते अनमोल नूं भी मनणा पिआ ते ना चाहुंदे होए भी उसनूं अपनी अमन नूं पत्नी दा दर्जा देणा पिआ। अमन बहुत ही समझदार ते सियाणी सी, पर घर परिवार दी जिम्मेवारी पैण करके ते जिंदगी विच इन्ने वड्डे बदलाव करके अनमोल बहुत नाखुश रहिंदा सी। पर अमन ने अनमोल नाल हर काम विच मदद कीती ते अनमोल भी हौली हौली सुधर गया। अनमोल ते अमन दोवें खुश रहन लगे। उन्हां घर दो बच्चियां ने जन्म भी लिया। 4 साल कदों लंघ गए दोवां नूं पता भी ना लगा। पर कई वार साडा अतीत भी साडी जिंदगी बर्बाद कर दिंदा है। इस तरां दा कुछ अनमोल नाल भी होया। उन्हां दे घर दी खुशी दी उल्टी गिनती उदों शुरू होई जदों अनमोल दी एक पुरानी सहेली किरण फिर उसदी जिंदगी च वापिस आ गई। किरण दी अनमोल दे पिंड मासी सी। किरण नूं अनमोल बारे सब कुछ पता सी। फिर भी उसने अनमोल नाल दोबारा रिश्ता बनाउण दी कोशिश कीती ते अनमोल भी अपने आप नूं रोक ना सकिया। अमन घर दे काम विच ते बच्चियां विच सारा दिन रुझी रहिंदी। उसनूं किरण ते अनमोल दी गल बारे कोई खबर नहीं सी। अनमोल ते किरण दा रिश्ता हौली हौली अगे वध रहा सी। किरण ने अनमोल नूं इह महसूस करवाउणा शुरू कीता कि उह किरण नाल ही खुश रह सकदा है। अनमोल ने अपनियां खुशियां दा गला घुट के अमन नाल विआह करवाया है। अमन नाल विआह करवाउणा सिर्फ उसदी मजबूरी सी। किरण ने अनमोल नूं अपनियां गल्लां विच इन्ना उलझा लिया कि उह किरण नाल विआह करवाउण लई तैयार हो गया। किरण भी पता नहीं क्यों अपनी ते होरां दी जिंदगी बर्बाद करन ते तुली होई सी। एक दिन अनमोल किरण अपने नाल ही घर लै के आ गया। अनमोल ने अमन नूं दस्या कि ओह किरण नाल विआह करवाउणा चाहुंदा है, इस लई अमन नूं उस नूं तलाक देना पवेगा ते इह भी कहा किरण हुण इस घर विच ही रहेगी, असीं हुण दूर नहीं रह सकदे। अमन नूं अनमोल ते किरण बारे पता लगा तां उह इकदम सुन हो गई। उस नूं समझ नहीं आ रही सी कि उस नाल की वापर रहा है। उह किरण ते अनमोल नूं गुस्से विच बहुत कुछ बोली ते किरण नूं उन्हां दी जिंदगी चों बाहर जाण लई भी कहा। पर अमन दे तरलियां दा अनमोल ते किरण ते कोई असर नहीं हो रहा सी। उल्टा अनमोल उसनूं कह रहा सी उह भी बच्चियां नाल इस घर विच ही रह सकदी है। उसनूं ते बच्चियां नूं जमीन जायदाद विचों बराबर हक देवेगा। पर अमन लई सब कुछ खत्म हो गया सी। उस लई तां घर उजड़ गया सी। अमन रब नूं दोष दे रही सी उस नाल भी वार वार इस तरह क्यों हो रहा है। किरण ते अनमोल दोवां दे पिंड गल फैल गई सी
ਜਦੋਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਕਿਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਰਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਹੋਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਮਾਗੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।